Hello friends, my name is Mahesh Singh and I welcome you to my YouTube channel Net for Knowledge. Today in this particular video we are going to discuss about the third child norms. Third child norms basically hai kya? Toh chaliye, is pure video mein aapko ye third child norms se related sare cheez pata chalega. Bas aap end tak is pure video ko dekhte rahiyega. A to Z aapka sara concern clear ho jayega. Hame pata hai ki economy mein women ek एम्प्लॉई के तौर पर उनका नंबर बढ़ते जा रहा है. वुमेन वर्कफोर्स की स्ट्रेंथ, वर्कफोर्स में उनका पार्टिसिपेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए. गवर्नमेंट इसे प्रमोट भी कर रही है. लेकिन वो जो वुमेंस काम करने आ जाती है, जॉब करती है, यानी वर्किंग वुमेंस, वर्किंग वुमेंस के सामने बेसिकली दो रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है. एक तो उनका घर का रोल और दूसरा उनका एज अ रोल जो वो जॉब कर रही है एम्प्लॉई के तौर पर. तो घर में उनके कई रोल्स होते हैं, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, एज वाइफ, एज मदर. लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्पेशली उनका रोल एज अ मदर देखेंगे कि कोई न्यूली मदर बन रही है तो उस मदर के रोल में उनका क्या इंपॉर्टेंट है. तो वर्किंग वुमेंस के सामने दो इंपॉर्टेंट रोल है. वन इज टू वर्क एज अ मदर, एक रोल एज अ मदर प्ले करना है, और दूसरा एम्प्लॉई के तौर पर भी जॉब भी करना है. तो बेसिकली देखा गया कि एम्प्लॉयज के तौर पर जब वो जॉब कर रही है तो उनका कई बार ये जो मदर वाला रोल है उसमें कुछ ना कुछ बाधा क्रिएट हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है. तो यही सारे चीज़ को देखते हुए कमिंग टाइम में बहुत सारे डिमांड्स रेज हुए विद रिस्पेक्ट टू मैटरनिटी लीव एंड अदर मैटरनिटी बेनिफिट्स. मैटरनिटी लीव और बहुत सारे मैटरनिटी बेनिफिट्स से रिलेटेड डिमांड्स लगातार रेज किए जा रहे थे. और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी था मैटरनिटी लीव के ऊपर डिसाइड करना, क्योंकि अगर मैटरनिटी लीव के ऊपर डिसाइड नहीं करेंगे तो ये एक डिस्करेजिंग फैक्टर बन चुका था वुमेंस के लिए. वुमेंस जब मदर बन रही है तो वो जॉब को क्विट करती थी, रिटर्न वापस नहीं आ रही है, और इसी चक्कर में इंडिया का ह्यूमन जो कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसका पूरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है. तो वुमेंस के ये जो कंसर्न है मैटरनिटी लीव से रिलेटेड, इसके ऊपर ध्यान देना भी ज़रूरी था. मतलब ये बेसिकली एक लंबे समय से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो मैटरनिटी लीव और अदर मैटरनिटी बेनिफिट के ऊपर लगातार कुछ ना कुछ डिमांड रेज होते जा रहा है, और इसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी है. देखिए, जब आप मैटरनिटी लीव अलाउ करेंगे या मैटरनिटी लीव के ऊपर कुछ डिसाइड करेंगे, यू रिस्पेक्ट, यू प्रोटेक्ट और यू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ मदरवुड. मदरवुड की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी था. एट द सेम टाइम न्यू बॉर्न चाइल्ड जो है प्लस वुमेन, ये दोनों के हेल्थ इशू को भी एड्रेस करना था. जब आप मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली यू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन. एट द सेम टाइम यू प्रोवाइड द फुल एंड हेल्दी मेंटेनेंस फॉर द वुमेन एंड हर चाइल्ड, उसके लिए आप एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. तो ये सारा एक इशू है. तो इन्हीं इश्यूज़ को कंसीडर करते हुए बेसिकली हुआ क्या, तो 1950 में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP के चैप्टर में एक पार्ट है, फोर्थ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. इसमें उन्होंने एक चैप्टर डाला, एक आर्टिकल डाला. वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 42, और ये आर्टिकल 42 कहता है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी, स्टेट को ये कोशिश करना चाहिए कि वो वर्कर्स को क्या प्रोवाइड करे. एक तो जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क, एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट काम करने के लिए. वर्कर्स लोगों को जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क मिलना चाहिए. प्लस मैटरनिटी बेनिफिट्स की बात किया, यानी वुमेन जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट्स भी मिले, उन मैटर्स को भी एड्रेस करे. ये जिम्मेदारी किसकी है, स्टेट की, यानी गवर्नमेंट की. अपनी इसी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए 1961 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, जिस एक्ट को हम कहते हैं द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961. ये एक्ट बेसिकली कहता क्या है, तो ये एक्ट रेगुलेट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन. वुमेन के नौकरी को, वुमेन के एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करेगा. कहाँ पर, तो सर्टन कंपनीज या सर्टन एस्टेब्लिशमेंट्स में. हर कंपनीज, हर जगह नहीं, कुछ सर्टन एस्टेब्लिशमेंट्स में. सो इट रेगुलेट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन. कहाँ पर, तो इन सर्टन एस्टेब्लिशमेंट. कब, तो सर्टन पीरियड में, हमेशा नहीं, ऑन सर्टन पीरियड. वो भी कब सर्टन पीरियड है, तो फ्रॉम द बर्थ टिल यू नो बिफोर बर्थ, बिफोर एंड द आफ्टर चाइल्ड बर्थ. जब कभी भी बच्चे का जन्म से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद. तो ये बेसिकली कर क्या रहे, तो एक्ट इज टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन सर्टन एस्टेब्लिशमेंट फॉर सर्टन पीरियड. और वो सर्टन पीरियड कौन है, दैट इज बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ. एंड टू प्रोवाइड द मैटरनिटी बेनिफिट, और वो टाइम पे वुमेन्स को मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करने से रिलेटेड. नाउ द थिंग इज,
कि गवर्नमेंट का ये जो एक्ट है दैट इज़ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ये अप्लाई कहाँ पर होगा, कहाँ कहाँ पर ये इसके प्रोविजंस अप्लाई होंगे। तो ये अप्लाई होगा सारे गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स में, जितने भी गवर्नमेंट की कंपनीज़ है वो सारी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स में ये अप्लाई होगा। नेक्स्ट, जितनी भी फैक्ट्रीज़ है, माइंस है, प्लांटेशंस है, वहाँ पर ये अप्लाई होगा। इसके अलावा हर वो एस्टेब्लिशमेंट जिसने जिसमें 10 या 10+ वर्कर्स लोग काम कर रहे हैं, कब, किसी एक दिन भी इन द लास्ट 12 मंथ में किसी एक दिन भी अगर कहीं पर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ लोग काम किए, तो हर वो एस्टेब्लिशमेंट में ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। अब ये एक्ट बेसिकली चल रहा था, बहुत लंबे समय से चल रहा था, लेकिन इस एक्ट में कुछ शॉर्टफॉल्स को देखा गया कि भाई अच्छी तरीके से अप्लाई नहीं हो रहा है, इसके कुछ प्रोविजंस है जो मैटरनिटी बेनिफिट्स के जो मेन कंसर्न्स है उन्हें एड्रेस नहीं कर पा रही है। हेंस क्या हुआ, तो गवर्नमेंट ने 2017 में इस एक्ट में कुछ चेंजेस किया। वो चेंजेस के लिए गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट बिल लाया, उसी अमेंडमेंट बिल को कहा जाता है मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट, था जो बेसिकली बिल को पास करवाया, तो वो एक्ट बन गया 2017 में। और फिर ये जो अमेंडेड प्रोविजंस था, अमेंड किया हुआ अमेंडमेंट के साथ में ये एक्ट एनफोर्स होता है ऑन 1 अप्रैल 2017 को। ठीक, अब ये जो अमेंडमेंट किया है न्यू प्रोविजंस के साथ में लाया जाएगा एक्ट को, एक्ट में जो आपने अमेंडमेंट किया है, इसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो इसके पीछे का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव्स है कि हमें इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कम करना है, मतलब यानी इम्प्रूव करना है, मॉर्टेलिटी रेट को इम्प्रूव करना है, प्लस इन्फेंट जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाना है। इसका मतलब कि आपको इन्फेंट मॉर्टेलिटी को कम करना है और मैटरनल मॉर्टेलिटी को भी कम करना है। तो हमारा टारगेट क्या है, तो 34 per 1000 लाइव बर्थ होगा, किस में, तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी में, और जो मैटरनल मॉर्टेलिटी है उसे 167 per lakh लाइव बर्थ में हमें उस टारगेट पर लेके जाना है। तो हमें इसमें सुधार करना है, ये सुधार तभी होगा जब आप मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड इशू को अच्छे तरीके से एड्रेस करेंगे। अब जो ये नया एक्ट आया, इसके कई प्रोविजंस है और ये प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है वन डे एग्जाम में और हर जगह कहीं पर भी आपको ऐसे लिखना है तो उसमें भी काम आ जाता है। अब ये इम्प्रूव्ड जो अमेंडेड एक्ट है इसमें क्या क्या प्रोविजंस है, पहला प्रोविजंस जो पेड ये मैटरनिटी लीव है, मैटरनिटी लीव मतलब जो वुमेंस को छुट्टी दिया जाता है ड्यूरिंग यू नो चाइल्ड बर्थ से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक जो छुट्टी दिया जाएगा ये लीव है और ये मैटरनिटी के हिसाब से उन्हें लीव दिया गया, बट इट इज़ अ पेड, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का उन्हें पेमेंट भी दिया जाता है ताकि उनका जॉब भी ना छूटे, तो काम नहीं करना है लेकिन उन्हें पेमेंट मिलता है। तो ये जो पेड मैटरनिटी लीव था पहले ये 12 वीक्स का था, अमेंड करके इसे हमने इंक्रीज कर दिया 26 वीक्स में। और ये जो 26 वीक्स है ये अवेल भी कैसे होगा, तो 8 वीक्स विल बी अवेल्ड बिफोर एक्सपेक्टेड डिलीवरी, जो डिलीवरी का डेट है उससे 6-8 हफ्ता पहले से आपको लीव मिलेगा 8 हफ्ता पहले, और जब डिलीवरी के बाद जो चाइल्ड बर्थ हो रहा है चाइल्ड बर्थ के बाद 18 वीक्स अवेल किया जाएगा। तो इस तरीके से 26 वीक्स पूरी तरीके से अवेल हो जाता है। ठीक, देन वी हैव नेक्स्ट प्रोविजन, नेक्स्ट आता है जो भी वुमेन है, ऐसा कहा जाता है कि 2 बच्चे के बाद अगर तीसरा बच्चा उन्हें होगा तो थर्ड चाइल्ड बर्थ के टाइम पर उन्हें 26 वीक्स का लीव नहीं 12 वीक्स का लीव मिलेगा, मतलब स्टार्टिंग 2 बच्चे के लिए उन्हें 26 वीक्स का पेड मैटरनिटी लीव मिलता है और थर्ड चाइल्ड से उन्हें 12 वीक्स का पेड मैटरनिटी लीव मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट थिंग, अगर कोई वुमेन है जो बच्चे को अडॉप्ट कर रही है, अडॉप्टेड मदर है या अडॉप्टिव मदर है, तो अडॉप्टिव मदर को कितना, तो उन्हें कहा गया उन्हें भी 12 वीक्स का लीव मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ एडॉप्शन, जिस तारीख को वो बच्चे को अडॉप्ट करेंगे वहाँ से 12 वीक्स का लीव उन्हें मिलेगा। फिर एक ऑप्शन होता है जिसे कहा जाता है वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन, तो वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन अवेल होना नहीं होना ये डिपेंड करता है पूरी तरीके से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पे, और अगर अवेल होगा भी तो कब होगा, तो 26 वीक्स का जो पेड मैटरनिटी लीव है उस पेड मैटरनिटी लीव के बाद में ये वाला प्रोविजन होगा, और वो कितना दिन तक एक्सटेंड होता है क्या होता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वर्क और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड द एग्रीमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज़, वो डिसाइड किया जाएगा।
फिर इस अमेंडमेंट के थ्रू एक और प्रोविज़न लाया गया, दैट इज़ क्रीच फैसिलिटी। क्रीच फैसिलिटी बेसिकली कहाँ पर अवेल करना है, तो कहा गया हर वो इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर 50 या 50 से ज़्यादा इम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, हर वो इस्टेब्लिशमेंट में क्रीच फैसिलिटी होने चाहिए। अब ये क्रीच फैसिलिटी बेसिकली है क्या, तो एक ऐसा फैसिलिटी होगा जहाँ पर वुमेंस अपने छोटे बच्चों को लेके आएगी, वहाँ पर रख सकती है और अपना काम करते रहेगी, और दिन में 4 बार उनके पास ये परमिशन होगा कि वो दिन में 4 बार अपने बच्चों को जाकर विजिट करेगी, देख भी लेगी। तो इसके थ्रू क्या होता है, तो वो अपने बच्चों का चाइल्ड केयर भी कर पाती है, साथ में वो जॉब भी अपना करते रहेगी, वो कंटिन्यू करके रखेगी। तो ये सारे फैसिलिटीज़ को, ये सारे प्रोविजंस को ऐड किया गया था। अब ये एक्ट में ही कहा गया है कि ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होगी, इट विल बी द ड्यूटी, इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर टू एजुकेट वुमेन अबाउट दिस मैटरनिटी बेनिफिट अवेलेबल टू देम एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट। जब उन्हें अपॉइंट किया जाएगा उसी टाइम एम्प्लॉयर का काम होता है कि ये सारे बेनिफिट्स के बारे में वो वुमेंस को एजुकेट करे, उन्हें सारा चीज़ बताए। ठीक, ये तो सारा चीज़ बात हो रहा है जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और केसेस से रिलेटेड। अब सवाल ये आता है कि अचानक ये अभी मैटरनिटी के ऊपर इतना क्वेश्चन क्यों उठ कर आया, तो एक न्यूज़ है, वो न्यूज़ क्या है वो सुनिए। अब न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ ये है कि रिसेंटली इन द सेंस इट इज़ इन 2017, ना बेसिकली 2017 में हुआ था और वो जजमेंट होते होते अब ये रिसेंट हो रहा है। तो 2017 में उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, तो एक रूल इशू किया। उस रूल में कहा कि थर्ड चाइल्ड के केस में मैटरनिटी बेनिफिट्स वुमेन को नहीं दिया जाएगा, वुमेन को मैटरनिटी बेनिफिट्स हम नहीं देंगे थर्ड चाइल्ड के टाइम पर। जो स्टार्टिंग 2 बच्चे तक में मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा, तीसरे में नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव है कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, तो ये थर्ड चाइल्ड का बेनिफिट नहीं होगा तो वुमेन को इंकरेज नहीं करेगा और फिर वो थर्ड चाइल्ड के लिए नहीं जाएगी और ये इस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाएगा, तो ये एक इंटेंशन है। तो खैर, स्टेट गवर्नमेंट, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि वुमेन्स को थर्ड चाइल्ड के केस में उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो हुआ क्या, तो उत्तराखंड में ही एक हल्द्वानी बेस्ड एक नर्स है, हल्द्वानी जगह है, वहाँ पर एक नर्स थी जिनका नाम है उर्मिला मासी। उन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट में उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट में PIL फाइल कर दिया और PIL में कहा कि ये जो उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट का रूलिंग है, दैट इज़ द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 42 एंड सेक्शन 27 ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। 27 सेक्शन कौन सा है, तो सेक्शन 27 बेसिकली वही बात करता है कि थर्ड चाइल्ड के केस में उन्हें 12 वीक्स का लीव मिलेगा, तो ये तो सीधा वॉयलेशन उस एक्ट का है। तो इस ग्राउंड पर उन्होंने PIL फाइल कर दिया। अब PIL फाइल होने के बाद में उत्तराखंड में एक सिंगल जज बेंच बनता है, राजीव शर्मा उसमें जस्टिस रहते हैं और उनके सामने ये मैटर होगा। मैटर सुनने के बाद उन्होंने इस उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट का जो भी ऑर्डर था उसको क्वाश कर दिया। जैसे ही सिंगल जज बेंच ने स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर को क्वाश किया, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को चैलेंज कर दिया फिर से हाई कोर्ट में स्पेशल अपील के थ्रू। अब जब गवर्नमेंट ने फिर से चैलेंज किया तब वहाँ पर सेकेंड 2 जज बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और ये दो जज थे, वो एक थे रमेश रंगनाथन और दूसरे है जस्टिस आलोक कुमार वर्मा। इन दोनों ने इस पूरे ही मैटर को देखा, यानी 2 जज बेंच इस पूरे मैटर को देखती है और उस मैटर के बाद में वो क्या करती है, तो अर्लियर ऑर्डर जो था, यानी सिंगल जज बेंच का जो बेंच था जिन्होंने गवर्नमेंट के ऑर्डर को क्वाश किया था, तो ये 2 जज बेंच ने सिंगल जज बेंच के ऑर्डर को क्वाश किया और कहा कि जो उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट का रूलिंग है वो एकदम सही है और हाईकोर्ट ने इस बार पास कर दिया एन ऑर्डर डिनाइंग द मैटरनिटी बेनिफिट, दैट इज़ द मैटरनिटी लीव टू द वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब इन केस दे हैव थर्ड चाइल्ड के केस में उन्हें बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा। अब ये मैटर बहुत ही कंटेंशियस मैटर बन चुका है, बहुत इसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन हो रहा है, कुछ लोग प्रोज और कॉन्स में बात कर रहे हैं, कुछ कहते हैं कि ये गवर्नमेंट का रूलिंग सही नहीं है, कुछ कह रहे हैं तो सही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाएगा। खैर, वो सारा चीज़ अपना ही डिबेट एंड डिस्कशन का इशू है। दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूज़। आई थिंक दैट यू फाउंड दिस न्यूज़ वेरी हेल्पफुल एंड हाउ डिड यू लाइक इट, डू लेट मी
me know in the comment section. Till then, goodbye and have a nice day. Thank you.